लिए अपने बिहार के लिए एक नेता चुनते हैं तो नहीं देखते हैं कैसा नहीं है, लेकिन अपने बेटी के लिए। अरे मनीष कश्यप का दिया हुआ है, यही मनीष है कि ताकि उन लोगों को लगे नहीं कि अरे यार ठंडा दिए ना, ठंडाया नहीं है, गर्मी में भी पूरा गर्मी है, है कि नहीं वो? चंपारण का गर्मी ठंडा देगा जी कोई? शिमला जैसा माहौल बना दिया जाएगा यहाँ से। विशाल बाबू, अगर इस बार 2025 के चुनाव में आप लोग नहीं संभलिएगा तो बबो गुलाम, बापो गुलाम, बेटो गुलाम, उनको जो हमनी का लड़का है वो गुलाम, गुलामों होते चल जाए। अनिकेत भाई इधर आइए, और हम जिंदाबाद, ये आशीर्वाद यात्रा जो है वो आपके यहाँ भी पहुँचेगा, आप लोग सहयोग करना। तो जिसको लगे, हम तो हर बार कहते हैं यहाँ बैठ के ऐसे कह देना कि ऐसे कर देंगे, वो थोड़ी है। आमने सामने आइए, मिलिए मिलाइए, टकराइए होगा कहाँ का कहाँ, टकराते वो लोग जो बराबरी का होता है, मिलिए मिलाइए, बस मिलिए आइए मिलाइए। ये सब चीज फालतू का बात है, समझे कि नहीं, कि ये क्या कर देगा। देखिए, और अनिकेत भाई एक बड़ा अच्छा बात बोले, देखो मनीष कश्यप को क्यों 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 क्या मनीष कश्यप को क्यों जेल में बंद रखा गया? क्योंकि वो आवाज उठाते थे लोग। हाँ, तो उनको क्या लगा कि मनीष कश्यप को बंद करेंगे आवाज बंद हो जाएगा? आप तमाम लोग जोर से आवाज लगाइए, इनको लगा कि ना 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 ना, अभी तो मामला और गड़बड़ा जाएगा। देखिए, कुर्सी वाले को एक ही चीज का डर रहता है, कुर्सी जाने का, कहा निकेत भाई। जब उसको लग जाएगा कि सारा लोग जग गया है, कुर्सी हमारा चला जाएगा, और झुक जाएगा, गिर जाएगा, मरते झुकना कच्ची है, गिरे हुए लोग गिर जाते हैं। हाँ, तो आप लोग इस बात को आवाज लगाइए कि मनीष कश्यप का आवाज रुका है जी, जोर से बोलिए। कुर्सी की बात बोल रहे हैं, कुर्सी अगर हम कुर्सी नहीं देंगे उसको, तब बता रहे हैं आपको, कोई अगर यहाँ पे बाप है उसके पास अगर बेटी है तो अपने बेटी को अगर वो शादी करते हैं ना तो पहले लड़का के बारे में देखते हैं कि भाई लड़का कैसा है, दारू पीता है कि नहीं पीता है, गुटखा खाता है कि नहीं पीता है, गुंडा है कि नहीं है, देखते हैं ना, सब बाप देखते हैं। लेकिन अगर एक नेता चुनते हैं अपने पंचायत की हिफाजत के लिए, अपने बिहार के लिए एक नेता चुनते हैं तो नहीं देखते हैं कैसा नहीं है, लेकिन अपने अपने बेटी के लिए। अरे मनीष कश्यप का दिया हुआ, यही मनीष कश्यप कमाए है भैया, यही मनीष कश्यप कमाए है। कौन नेता अच्छा है आपके नजर में, क्या इसको वोट किया जाना चाहिए? हमारे नजर में अभी हम वोट 17 साल हुआ है अभी मेरा। आपके जैसे नेता करना नेता नहीं है ना भाई, अभी तो फिर से पूरा मालिक के सामने कह रहे हैं, इतना प्रेशर हो गया है कि चुनाव में जाए, मैंने पार्टी ज्वाइन करना, फिर से पूरा माइक के सामने कह रहे हैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ना। अनिकेत भाई जैसा भाई सबको समर्थन करना है, और जो जो भाई सब लड़े, लेकिन सुनिए अब देखिए क्या दिक्कत है बिहार में। समस्या ये है हम लोगों का कि बिहार के जो नेता है, कोई नाली है तो कोई सीवर है बॉस। नाली में आपको पैर तक गंदा होना है, सीवर में यहाँ तक। तो आपका दुर्भाग्य है कि आपको गंदगी ही चुनना है, तो आप ये सोच रहे हैं गंदगी चुनने के लिए, उस गंदगी में तो कमल खिल रहा है ना। बात ही तो बोल रहे हैं यार, अब तुम ही लोग कंट्रोल मजनू भाई, वही कह रहा हूँ मैं कि आपका दुर्भाग्य है कि आपको नाली और सीवर के बीच में से नाली चुनना पड़ रहा है। कोई भाजपा को नाली समझ के भाजपा चुन ले रहा है, कोई आरजेडी जदयू को नाली समझ के नाली चुन रहा है, सीवर चुन रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सही में बदलाव हो तो 10 है भाई, हम नहीं कहते 10 भाई, अरे दूदू को एक और विधायक का पार्टी है कि नहीं हो, तो 5 भाई आपका अपना जिताइए मजबूत, तब आपका आवाज बनेगा। आप समझ रहे हैं माइक से उस वक्त, अरे यार हम तो ऐसे घर में सूतल है, सब चिल्ला रहा है गर्मी में, हमारा क्या दिक्कत है। लेकिन 5 को भाई को भेजिए जो जाके आपके विधानसभा और संसद में चिल्लाए, आपके लिए सलब मेज ठोक के बोले कि अगर हमारे लोग के लिए खड़े नहीं हुए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा। अगर ये आप नहीं करिएगा तब तक ही नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा। जब आप सोचिएगा कि इसको छोड़ के इस बार उसको दे देते हैं, इस बार उसको दे देते, नहीं होगा। आपको 5 भाई 10 भाई अपना जिताना होगा। भाई मतलब भाई, भाई मतलब जो आपका काम करने वाला, जो आपका काम पैसा अपन पैसा से कमाया, सोना के चुराई के नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना 5 भाई जिताना होगा, हम ही नहीं कहते, आपको नहीं अनिकेत अंचर लगता है, विशाल को जिताइए, इनको जिताइए, लेकिन आप चुनिए और अपने लोगों को जिताइए, और जो आपकी आवाज बनते हैं, जो आपका आवाज उठाते हैं। और मनीष कश्यप के लिए आवाज आपको इसलिए बनना जरूरी है कि ताकि उन लोगों को लगे नहीं कि अरे यार ठंडा दिए ना, ठंडाया नहीं है, गर्मी में भी पूरा गर्मी है, है कि नहीं वो? चंपारण का गर्मी ठंडा देगा जी कोई? शिमला जैसा माहौल बना दिया जाएगा यहाँ से। विशाल बाबू, अगर इस बार 2025 के चुनाव में आप लोग नहीं संभलिएगा तो बबो गुलाम, बापो गुलाम, बेटो गुलाम, उनको जो हमनी का लड़का है वो गुलाम, गुलामों होते चल जाए। अनिकेत भाई इधर आइए, और हम जिंदाबाद, ये आशीर्वाद यात्रा जो है वो आपके यहाँ भी पहुँचेगा, आप लोग सहयोग।